हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट एस्कोमाइसिस क्लास ऑफ फंजाई की, जिसमें हमने काफी कुछ चीजें कवर कर ली थी। लास्ट एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको और बता देता हूँ, दैट इज द टाइप ऑफ द एस्को का, टाइप्स ऑफ एस्को का। एस्को का आप क्या है, जिसको आपने फ्लोटिंग बॉडी बोला था, याद होगा। सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर थी हमारी, दैट वाज द एस्कस बना था। क्या बना था? एस्कस। एस्कस अगर बहुत सारे हो जाए तो प्लूरल हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, एस्काई बोलेंगे। एक ऐसा था, एस्कस बोलते हैं। यहां पर अगर ऐसे बहुत सारे हो जाए तो इन ग्रुप ऑफ एस्कस को हम क्या बोल देंगे, एस्काई बोल देंगे। और बेटा जब इन एस्काई के बाहर माइसिलियम की वाल आ जाए, है ना, माइसिलियम वॉल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एस्कोकार्प, या फिर फ्लोटिंग बॉडी बोल देते हो, या फिर क्या बोल देते हो, फ्लोटिंग बॉडी बोल देते हो। जो हमने कल के वीडियो में देखा था कि फ्लोटिंग बॉडी कैसे दिखाई देती है, अभी हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ एस्को कार्प की बात करनी है कि कौन कौन से टाइप के एस्को कार्प हैं वो हमें यहाँ पर डील करनी है। सबसे पहला आ गया दैट इज द क्लिस्टोथीकम। फर्स्ट वन इज द क्लिस्टोथीकम। जो क्लिस्टोटम आई है दैट इज फ्रॉम द क्लोज, सही है। तो यहां पर जो एंडोकार्प, ये एस्कोकार्प होगा वो कैसे होगा, क्लोज नेचर का होगा। क्लोज कैसे दिखाई देगा, ये बाहर की वाल हो गई, दैट इज द एस्कोकार्प। ये जो अगर हम इसे बना दें छोटे छोटे इसे चैम्बर से बना दें तो ये क्या हो गई, एस्कस हो गया एक, और इसके अंदर क्या दिखाई देंगे आपको, एस्को स्पोर दिखाई देंगे। दीज आर द एस्को स्पोर, दीज आर द एस्को स्पोर, ठीक है। तो इस टाइप का जो हो गया क्लोज, उसको हमने क्या बोल दिया, क्लिस्टोथिकम बोल दिया। और जो क्लिस्टोथिकम जो एस्को कार्प है दैट विल प्रेजेंट इन द एस्परजिलस में मिलेगा, और किस में मिलेगा, पेनिसिलियम में मिलेगा, पेनिसिलियम के अंदर मिलेगा, ठीक है। दूसरा टाइप आ गया दैट इज द पेरिथिकम एस्को का। सेगमेंट टाइप इज द पेरिथिकम। पेरिथिकम में जो एस्को कार्प की जो शेप रहेगी दैट इज द फ्लास्क शेप। कैसी रहेगी, फ्लास्क शेप रहेगी, ठीक है। कैसे दिखाई देगा, यहां पर कुछ ये फ्लास्क की जैसी शेप हो गई, दिस वन इज द एस्को का। यहां पर ये क्या हो गई, दीज आर द एस्केस, या फिर एस्काई बोल दे ऐसे ग्रुप में, तो दीज आर द एस्केस या फिर एस्काई, जो बहुत सारी हो गई। और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, दीज आर द एस्को स्पोर, दीज आर द एस्को स्पोर। 4 to 8 होंगे वो आप इधर रिप्रेजेंट कर दो, तो दीज स्पोर्स आर नोन एज द एस्को स्पोर। और ये जो ऊपर की तरफ जो ये पोर हो गया, जो छेद है जो खुला होगा, दैट इज नोन एज द ओस्टियोल। इस पोर को या इस माउथ को हम क्या बोल देंगे, ओस्टियोल बोल देंगे। तो दूसरा टाइप हो गया दैट इज द पेरिथिकम। पेरिथिकम की कंडीशन किसमें मिलेगी, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेजेंट इन द क्लेवी कैप्स एंड द न्यूरोस्पोरा। क्लेवी कैप्स और न्यूरोस्पोरा। तीसरा है एपोथिकम। एपो मीन कप शेप। तो ये जो थर्ड टाइप होगा दैट हैव द एपोथिकम। एपोथिकम कैसे दिखाई देगा, कप शेप का दिखाई देगा। ये था फ्लास्क शेप, वो था क्लोज, ये हो गया कप शेप। कप शेप कैसे,
या फिर बॉल शेप कैसे? ये हो गया कप के जैसे स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया? दैट इज द एस्को का, दिस वन इज द एस्को का। यहां पर ये क्या हो गई? दीज आर द एस्काई, ये क्या हो गई? एस्काई के अंदर ये क्या हो गए? स्पोर, दीज आर द एस्को स्पोर, दीज आर द एस्को स्पोर। ठीक है, तो ये थर्ड वन टाइप इज द एपोथिकम। और जो एपोथिकम मिलेगा बेटा वो मिलेगा किसके किस में? इनके सब द एस्का बोलस एंड द पिजाइजा, एस्का बोलस एंड द पिजाइजा, ठीक है, इसमें मिलेगा। फोर्थ टाइप ऑफ द एस्ट्रोकार्प इज, फोर्थ टाइप कौन सा है? दैट इज हाइस्टीरियोथिकम। हाइस्टीरियोथिकम होगा दैट इज द एलोंगेटेड शेप, लंबा होगा ऊपर से नीचे तक एक ही जैसे वो दिखाई देगा। तो कैसा होगा? ये हो गया, दिस वन इज द एस्कोकार। इसके नीचे क्या होगी? यहां पर दीज आर द एस्काई या फिर एस्कस, एक है तो एस्कस, अगर बहुत सारे तो एस्काई। ये जो स्पोर है, दिस स्पोर आर नोन एज द एस्को स्पोर। और ये क्या हो गया? इसका फिर से माउथ, दैट द ओस्टियो। ठीक है, लास्ट वन टाइप इज द, दैट इज सुडोथिकम। फिफ्थ टाइप दैट इज सुडोथिकम। सुडोथिकम में क्या होगा कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगी। जाल की दिशा से बनेगी। ठीक है, ये यहां पर एक नेटवर्क जाल से बन गया। अब ये जो अंदर का स्पेस रह गया, यहां पर क्या मिलेंगे आपको? एस्काई या फिर एस्केस मिलेंगे, एंड दे कंटेन द एस्को स्पोर। ठीक है, तो वही सारी की सारी चीज हो गई। दिस वन इज द एस्को कार, ये जो अंदर आ गई दीज आर द एस्काई, और ये जो स्पोर हो गए दीज आर द एस्को स्पोर। ठीक है, तो ये हो गए आपके फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ द एस्को कार। क्लोज है तो क्लिस्टोथिकम, फ्लास्क शेप है तो पेरिथिकम, अगर कप शेप है फिर बाउल शेप है तो एपोथिकम, अगर ये इलोंगेटेड ऊपर से नीचे तक की जैसे तो हाइस्टीरियोथिकम, और ये नेटवर्क जाल से बना तो सुडोथिकम। ठीक है, तो यहां पर एस्कोमाइसिस क्लियर। ठीक, यहां पर ये मान लीजिएगा लिख के लगभग हर एक चीज कवर कर चुके हैं मैं एस्कोमाइसिस की। नेक्स्ट वन क्लास की बात करेंगे दैट इज द बेसिडियोमाइसिस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम्पल काफी फेमस है, दैट इज द मशरूम एगेरिकस। वो हमें देखनी है, उसकी लाइफ साइकिल भी डील करनी है। तो नेक्स्ट क्लास इज द बेसिडियोमाइसिस। तो नेक्स्ट वन जो क्लास में डील करनी है डिटेल से, दैट इज द बेसिडियोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस को हम क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई भी बोलते हैं, क्लब फंजाई। आज उन्होंने द रे फंजाई, ठीक है, आपने कि रे बैक्टीरिया भी पढ़ा था, एक्टिनोमाइसिस पढ़ा था, वो रे बैक्टीरिया था, एंड दिस वन इज द रे फंजाई। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी। यहां पर हम इसके जनरल कैरेक्टर देख चुके हैं पहले से, कि इसे बेसिडियोमाइसिस हायर क्लास ऑफ फंजाई है,
जिसके अंदर ये सेप्टेट हाइफी होगा, इसके अलावा यूनि और बाइन्यूक्लेटेड है। जो मोर कॉमनली है वो कौन सा है, बाइन्यूक्लेटेड है, मोर कॉमन इज द बाइन्यूक्लेटेड, ठीक है। अगर हैबिटेट की बात करें कि कहां पर ग्रो करेगा, तो ग्रो ऑन सोइल, लोक, जो लकड़ी का गट्ठा होता है वो, ठीक है, एंड द ट्री स्टम्प, यानी कि अगर पेड़ को काट दिया जाए तो अब जो इसका तना रहेगा उसके ऊपर भी ग्रो कर जाए, ठीक है। इसके खास बात ये थी कि इसमें जो सेप्टा होगा दैट हैव द डोली पोर सेप्टा, यानी कि पोर के आसपास में कुछ सेलन रीजन मिलेगा, तो हैव द डोली पोर सेप्टा, ठीक है। तो जो डोली पोर सेप्टा रहते हैं उसके चारों तरफ एक स्वेलिंग सी मिलती है, एंड दैट स्वेलिंग इन्होंने द पेरेंथोसोम, और याद करेंगे पेरेंथोसोम किसकी, किस ऑर्गेनली की मॉडिफिकेशन थी, तो राइज फ्रॉम द ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे मेंबर थे जिसके अंदर डोली पोर सेप्टा नहीं होता है, दे हैव द सिंपल सेप्टा, तो ये पॉइंट काफी मेन है जो भी मैं लिख रहा हूं। यहां पर दो एग्जाम्पल है, द फर्स्ट वन द रस्ट पक्सिनिया एंड सेकेंड वन इज द समर्थ दैट इज स्टीलगो, ठीक है। ये दो रस्ट और समर्थ आर द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिस बट डोंट हैव डोली पोर सेप्टा, बट इसके अंदर डोली पोर सेप्टा नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहले करवा रखा है कि डोली पोर सेप्टा क्या है, जिन भी व्यूअर ने ये नहीं देखा तो प्लीज पीछे का वीडियो जाके देख लें, ठीक है। तो डोली पोर सेप्टा होते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर डोली पोर सेप्टा नहीं होंगे, तो डोंट हैव डोली पोर सेप्टा, तो दे हैव सिंपल सेप्टा, इनके अंदर कौन सा मिलेगा, सिंपल सेप्टा होगा, और ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जिसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन भी नहीं होते, एंड इन बोथ फॉर्मेशन ऑफ और फ्रूटिंग बॉडी इज एब्सेंट। बोला जाता है कि फ्रूटिंग बॉडी नहीं होने की वजह से इनके अंदर डोली पोर सेप्टा भी क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, ऐसा हो। इसके अलावा यहाँ पर और छोटे छोटे बहुत सारे कुछ पॉइंट हैं जो हम वन बाय वन करके एक एक करके डील करते जाते हैं। जो ये बेसिडियोमाइसिस है देयर मेंबर शो द क्लैंप कनेक्शन, जो इनके मेंबर है दे शो द क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन क्या, वो चीज देखते हैं, ये काफी मेन है कि क्लैंप कनेक्शन किस क्लास ऑफ फंजाई का फीचर है, तो क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। जो दो सेल है हाइफे की, जो नेबर सेल्स है, ये उनका बीच का एक इंटरेक्शन, एक ट्यूबुलर इंटरेक्शन, जहां पर एक ट्यूब डेवलप होती है, और जो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम है वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम में कन्वर्ट हो जाती है, समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो एक हाइफी है इसमें ऐसी सेल होगी, एक न्यूक्लियस है मोनोकैरियोटिक, दो न्यूक्लियस आ गया डाइकैरियोटिक। अब बोलते हैं कि जो ये डाइकैरियोटिक है, डाइकैरियन है, ये इस मोनोकैरियन को भी, कैसी है ये मोनोकैरियन थी, ये इसको भी ये डाइकैरियन में कन्वर्ट करवा देती है। तो कैसे कन्वर्ट होगी, एक क्लैंप की सहायता से होती है। क्लैंप का मतलब होता है हत्ता, जिसे जो बुजुर्ग लोग जो छड़ी पकड़ते हैं, हाँ, जो उनकी स्टिक होती है, लकड़ी होती है, तो उसका जो ये हत्ता हो गया, ये जो ग्रिप वाला पार्ट हो गया जो पकड़ा जाता है,
वही क्या कहलाता है, क्लैंप कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर दूं अम्ब्रेला की, छाते की, तो छाते के केस में भी एक ऐसी नीचे हैंडल रहता, तो दिस वन इन्होंने द क्लैंप ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है, तो इसको हम क्लैंप ऑफ अम्ब्रेला बोलते। तो यहां पर भी एक क्लैंप से ऐसी एक स्थिति बनती है जिसकी वजह से मोनोकेरियोटिक न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइकेरियन न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी को हम क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं। तो क्लैंप कनेक्शन क्या है, दिस वन इज द ट्यूबुलर, और ट्यूबुलर भी कैसे, लेटरल ट्यूबुलर, लेटरल ट्यूबुलर कनेक्शन बिटवीन नेबर सेल्स, कितने नेबर सेल्स, टू, बिटवीन टू नेबर सेल्स, फिर नेबरिंग सेल भी बोल सकते, ठीक है, बाय विच मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कन्वर्ट इंटू या फिर चेंज इंटू इंटू डाइकैरियोटिक माइसीलियम। मोनोकैरियोटिक से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो प्रोसेस चलेगा वो टॉप टू बेस की तरफ चलेगा, यानी कि जो डाइकेरियन सेल है वो टिप पे रहेगी और जो ये प्रोसेस चलता जाएगा कन्वर्ट होने का वो नीचे की तरफ चलता जाएगा। तो ये पॉइंट काफी मेन है, दिस प्रोसेस मूव फ्रॉम टिप टू बेस, यानी कि आगे वाली तो कैसे रहेगी, डाइकेरियन में, पीछे वाली डाइकेरियन रहेगी, और जो पीछे वाली वो मोनोकेरियन से डाइकेरियन में कन्वर्ट होती जाए। इसका डायग्राम देखते हैं, तो देखते हैं कि क्लैंप कनेक्शन की फॉर्मेशन कैसे, देखिएगा ये एक ट्यूबन सेल है, आगे कॉर्नर वाली सेल है, इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है, इसलिए तो हमने बोला था कि डाइकेरियन है आगे वाली, तो डाइकेरियन होगी, और इसके पीछे वाली सेल है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस हैं, एन और एन कंडीशन है, अब होगा क्या कि ये जो टिप वाली सेल थी, आगे वाली जो सेल थी उसमें आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आउटग्रोथ स्टार्ट करती हो और वहां पर दो जो निकलेस थे वो भी कितने हो जाते हैं, चार निकलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चार निकलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई ब्लू वाला एक था, रेड वाला एक था, लेकिन यहां पर एक आउटग्रोथ हो गई, ठीक है, आउटग्रोथ हो गई, तो आउटग्रोथ टू मेक क्लैंप, क्लैंप बनाने के लिए एक आउटग्रोथ हो गई है, और निकले से वो क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। अभी होगा क्या, यहां पर कि जो ये वाल थी वो रही, यहाँ पर एक वाल और डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये वाल थी, अभी यहाँ पर एक वाल और डेवलप होने स्टार्ट हो गई। अभी होगा क्या कि जो क्लैंप की जो आउटग्रोथ हुई है वो इधर आके फ्यूज करने की कोशिश करेगी, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, आप समझते हैं, ये जो आउटग्रोथ हुई वो धीरे धीरे बेंड होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर दो न्यूक्लियस हो गए थे, दो निकलेस में से एक निकलेस तो इधर आ चुके हैं और एक निकलेस इधर ही रह गया। इसी तरीके से जो ये दो निकलेस थे, इस दो निकलेस में से एक निकलेस इधर आ चुका है और एक इधर रह गया, तो एक इधर रह गया,
और यहां पर क्या हो गई थी, बाल की फॉर्मेशन हो गई थी ऐसी, ठीक है। अब लास्ट में होगा क्या, लास्ट में जाके इधर ये होगा कि जो क्लैंप बना था वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, फिर मर्ज कर जाएगा ऐसे। यहां पर ये एक रेड वाला रह गया, यहां पर वॉल डेवलप हो गई थी, एक रेड निकले से इधर पहले से क्या था, प्रेजेंट था, क्योंकि दो गए थे तो एक इधर आ गए थे, एक इधर, तो एक रेड नेकलेस इधर आ गया था। अभी एक रेड नेकलेस तो इधर से है, लेकिन यहां पर जो ब्लू वाला था, ये जो ब्लू था वो इधर क्या हो गया, पास आउट हो गया, ठीक। तो यहां पर ये हो गया, पहले इसके अंदर कितना नेकलेस था, एक था, लेकिन अभी पीछे वाले में कितने कर दिए, दो कर दिए भाई, इसमें एक दो थे, लेकिन पीछे वाले में भी कितने कर दिए, अभी दो कर दिए। ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा और ये प्रोसेस बार बार ऐसा होता जाएगा, और ये अल्टरनेट तरीके से होता, एक बार राइट साइड से होगा, एक तरफ लेफ्ट साइड से ऐसा क्लैंप बनेगा, ठीक है। तो ये जो बनता है वो अल्टरनेट तरीके से बनेगा, एक बार लेफ्ट से बनेगा और एक बार राइट से बनेगा, न्यूक्लियस के नंबर डबल होते जाएंगे और पीछे की तरफ एड करते हुए चले जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं। और ये जो बनी है दैट इज द क्लैंप, वो क्लैंप स्ट्रक्चर बन गई, फुली डेवलप क्लैंप। ये फुली डेवलप क्लैंप बन चुके, तो यहां से एक से कितने निकले से बन गए, दो बन गए। तो ये हो गया इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। आई थिंक शायद क्लियर होगा। एंड क्लैंप फॉर्मेशन इज द मेन फीचर ऑफ द डेसिडियोमाइसिस क्लास ऑफ इंसेक्ट्स। और क्या क्या पॉइंट है इसमें, हमने इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात पहले कर चुके हैं कि इसमें सिर्फ दो ही तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, द फर्स्ट वन इज द सोमेटोगेमी एंड द सेकंड वन इज द स्पर्मेटाइजेशन। ये दो ही चीज इसके अंदर होगी, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैव टू टाइप, कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज द सोमेटोगेमी एंड द सेकंड वन इज द स्पर्मेटाइजेशन। और दोनों टाइप हम प्लाज्मोगैमी के टाइप में अच्छे से डील कर चुके, ठीक है। सोमेटोगैमी में दो हाइफी डायरेक्टली एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, एंड दिस वन इज द कॉमन मेथड ऑफ द बेसिडियोमाइसिस। तो जो सोमेटोगैमी है दैट इज कॉमन मेथड इन बेसिडियोमाइसिस। बेसिडियोमाइसिस में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा प्लाज्मोगैमी का, दैट इज द सोमेटोगैमी, ठीक है। किस किस के अंदर मिलेगा ये, दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द होस्टिलोगो एंड द एग्रिकस। एग्रिकस यानी कि मशरूम, ठीक है। एक वीडियो है जिसमें कंपैरिजन कर रखा हमने, तो लास्ट में वहां पर मैंने चार एग्जांपल लिखे हुए हैं, मशरूम है, होस्टिलोगो है आपका, और पक्सिनिया है, और एक और है कोई। तो वहां पर कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में डाल के कि जी आपके सामने आपने ये मशरूम के सामने पक्सिनिया लिखा हुआ है, तो क्या ये इसका साइंटिफिक नेम है, नहीं। जो मशरूम का साइंटिफिक नेम आएगा दैट इज द एग्रिकस, पक्सिनिया अलग है और मशरूम या फिर एग्रिकस अलग होगा, ठीक है। तो ये होगा। और जबकि अगर हम स्पर्मेटाइजेशन की बात कर दें तो जो स्पर्मेटाइजेशन है दैट इज मोर कॉमन इन रस फंजाई, रस बताया था, रस फंजाई हम किसको बोलते हैं, पेनिसिलिन को बोलते हैं। और पेनिसिलिन में अलग अलग टाइप आएंगे जो हम इसकी लाइफ साइकिल में आगे डील करेंगे कि कौन कौन से टाइप हैं, कैसे कैसे डेवलप होंगे वो वहां पर हम देखेंगे। अभी कुछ बेसिक लाइफ साइकिल देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिस की कैसे है। वैसे हमें मशरूम की लाइफ साइकिल भी डील करनी है, नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, बट एक बार मैं आपको बेसिक लाइफ साइकिल डील करवा देता हूँ किसकी,
बेसिडियोमाइसिस ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर ठीक है। जैसे कल हमने एस्कोमाइसिस की देखी थी, वैसे हम यहाँ पर बेसिडियोमाइसिस की लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं। सबसे पहले वही दो आईपी होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो मेल और फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे। दोनों की प्रायोरिटी कैसे रहेगी, एन रहेगी। फाइनली दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, यहाँ पर हो गई प्लाज्मोगैमी, हो चुकी प्लाज्मोगैमी हो गई। तो ये जो बीच की वाल है ये क्या करेगी, डिजोल करेगी, तो मिडिल वाल गेट डिजोल। अब एक में कितने निकलस आ गए, दो निकलस आ गए, तो ये जो कंडीशन है दैट इन द डाइकेरियन कंडीशन ठीक है। डाइकेरियन कंडीशन तब होगी तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लैंप कनेक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी आईपी को कैसे कर देगा, डबल न्यूक्लियस का करवा देगा। तो क्लैंप कनेक्शन अगर हमें रिप्रेजेंट करना तो कुछ ऐसे दिखा दें यहां पर, मैंने भी आपको बताया था कि अल्टरनेट तरीके से चलते, एक बार राइट से और एक बार चलेगा लेफ्ट से। तो यहाँ पर ऐसा हो गया, अब क्लैंप कनेक्शन ये डेवलप हो चुका है। उसके बाद में जो ये पूरा पूरा रीजन था, पूरी पूरी हाइफी थी, दैट विल कन्वर्ट इनटू द डाइकेरियन या फिर सेकेंडरी हाइफी। डाइकेरियन माइसिलियम में, फिर आप इसको सेकेंडरी हाइफी भी बोल सकते हो। डाइकेरियन माइसिलियम ठीक है। अब ये जितने भी हैं डाइकेरियन वाले, इन सभी के ऊपर क्या डेवलप होगा, दे मेक सम आउटग्रोथ, छोटी छोटी एक आउटग्रोथ बनेगी, और उस छोटी स्मॉल आउटग्रोथ को हम क्या बोल देंगे, बेसिडियम बोल देंगे। जो ये बेसिडियम होंगे दे हैव द स्ट्रक्चर सिमिलर टू द क्लब, जैसे चिड़ी का पत्ता होता है उसकी जैसी ये शेप देंगे, तो इसलिए इनको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं ठीक है। तो ये जो आउटग्रोथ बनी है दे आर नोन द बेसिडियम, ये बेसिडियम ठीक है। अब ये जो बेसिडियम है इनके अंदर ये न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, कैरियोगेमी हो जाएगी, अंडरगो द कैरियोगेमी, और यहां से ये न्यूक्लियस मूव करना पहले स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर क्या होगी, कैरियोगेमी होगी। तो कुल मिला के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो ये दोनों निकले थे कहां पर पहुंच चुके हैं, टी1 पार्ट पर पहुंच चुके हैं। टी1 पार्ट पर जाके क्या करेंगे, शो द कैरियोगेमी, यानी कि जो निकले थे वो क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। तो निकलेस गेट फ्यूज, तो अभी इधर क्या कंडीशन बन गई, दैट इज टू एन न्यूक्लियस डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन चुका है। अब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस किस में जाएगा, अंडरगो द मियोसिस, ये जितने भी हैं न्यूक्लियस दे अंडरगो द मियोसिस। और आपको पता है कि जो मियोसिस है दैट इज द रिडक्शनल डिविजन, इसमें एक न्यूक्लियस से चार बनेंगे, एक सेल से चार बनेगी, प्रोमोशन नंबर के जाएंगे हाफ हो जाएंगे, तो चार तरफ निकलेस बनेंगे। तो ये जो बेसिडियम बना था इसके बाहर भी छोटी छोटी आउटग्रोथ बननी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ऐसी बनेगी, एक दो तीन और चार, ऐसी ये चार छोटी छोटी आउटग्रोथ बन गई, और चारों के अंदर एक एक निकलेस क्या हो जाएगा, मूव कर गया ठीक है। इन जो चार निकलेस बनेंगे, एक से मियोसिस होने से
इन चारों के ऊपर ऐसे चार छोटे छोटे आउटग्रोथ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पोर बन गए बाहर की तरफ, ऐसे बना लोगे समय में। तो ये जो बने हैं दीज आर द बेसिड स्पोर, ये जो बने हैं दीज आर द बेसिड स्पोर, जो ये चार बने मियोसिस के बाद में, और ये जो सबसे दैट इज द बेसिडियम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, दिस वन इज द बेसिडियम। और बेसिडियम के ऊपर क्या बनेगा, बेसिड स्पोर जो मियोसिस से बने, ये बाहर की तरफ बने हैं। अब तब स्पोर अलग हो जाएंगे एयर की सहायता से, किसी भी चीज की सहायता से, तो वो बाहर रिलीज हो जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे। तो ये जितने भी बेसिड स्पोर है वो फ्री हो गए, फ्री होने के बाद वो जमीन पे गिरेंगे, और जमीन पे तब भी गिरेंगे तो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। जर्मिनेट वही 50-50 के रेशियो में करेंगे, 50% आपका पॉजिटिव हाइफे और 50% नेगेटिव हाइफे बनेगा, फिर से वही चीज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई पूरी की पूरी यहाँ पर लाइफ साइकिल किसकी, बेसिडियो स्पोर या फिर बेसिडियो माइसिज्म की। एक बार मैं आपको टोव्यूस दिखा देता हूँ कंप्लीट, एक बार देखिएगा, देखिए हाइफी है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्यूज कर गए, प्लाज्मोगैमी क्लैम्प कनेक्शन बना, डाइकेरियन सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, उसके बाद में फिर यहाँ पर संभाल आउटग्रोथ हुई जिसको हमने बेसिडियम बोला, बेसिडियम के अंदर न्यूक्लियस दोनों ऊपर की तरफ मूव चले गए, मूव कर गए, फिर जाके फ्यूज कर गए, पहले न्यूक्लियस थे एन और एन कंडीशन का न्यूक्लियस थे, ये दोनों के दोनों एन और एन था, ऊपर जाकर फ्यूज कर गए, तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी आ गई, टू एन आ गया। उसके बाद में मियोसिस में गए, चार न्यूक्लियस बने, चारों बाहर आउटग्रोथ देके स्पोर की फॉर्मेशन करते, बेसिड स्पोर, स्पोर टूटेंगे जमीन पे गिरेंगे, जर्मिनेट करके फिर से वो चीज, ठीक है। तो दिस वन इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द बेसिडियोमाइसिस। आई थिंक शायद आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में, कल के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम एंड देयर स्पेशल फीचर। थैंक यू सो मच।